नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष खंगवार। आज का दिन भी बेहद खास है। अनंत अंबानी और राधिका का आज ग्रैंड रिसेप्शन है। दो दिन पहले यानी 12 जुलाई को दोनों एक दूसरे के हो गए। राधिका की ब्राइडल एंट्री से लेकर शादी के जश्न की तस्वीरें हर तरफ छाई हुई हैं।
देश के सबसे बड़े शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत से हुआ। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों ने भी परफॉर्मेंस दी। डांस के साथ अनंत राधिका के विवाहों को सुरों में सजाने के लिए दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। देश के सबसे बड़े शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत से हुआ। मुख्य दरवाजे पर बजते सितार और शहनाई ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने भी वहाँ अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान अनंत और राधिका के शादी समारोह में आए मेहमानों को कविता सेठ ने अपने सूफी संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तरह जैसा है कोई, ये तस्वीर है जादू के लम्हों की। उनके साथ ही मशहूर गायक अमित त्रिवेदी ने भी अपने अंदाज में अनंत और राधिका के इस भव्य शादी समारोह में चार चांद लगा दिए। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए इस भव्य आयोजन में कई विदेशी गायकों ने भी प्रस्तुतियां दी। इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ही हार्डी, संधु और हनी सिंह जैसे गायकों ने भी अपना जलवा बिखेरा। राजस्थानी लोक गीत गायक मामे खान ने अपनी गायकी से लोगों को झुमा दिया। गायक एपी ढिल्लो ने भी अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। रणबीर सिंह और अनन्या पांडे उनके साथ झूमते दिखे। फिल्मी सितारों के साथ लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जैसे राजनीति के दिग्गजों ने भी शादी में पहुंचकर अनंत और राधिका को अपना आशीर्वाद दिया। देश की मशहूर हस्तियों के साथ विदेशों से भी नामी चेहरों ने अनंत और राधिका की शादी में शिरकत की। अमेरिका से रेसलर और एक्टर जॉन सेना और सेलिब्रिटी किम कार्डेशियन, ब्रिटेन से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन, दक्षिण कोरिया में सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसे लोग भारतीय लिबास में एकदम सज धज कर शादी में पहुंचे। और अनंत और राधिका की शादी के जश्न में भारतीय संस्कृति की पूरी छाप देखने को मिली है। अनंत राधिका के शादी के जश्न में भारतीय संस्कृति की पूरी छाप देखने को मिली। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का वाराणसी से विशेष नाता रहा है। पिछले महीने वो अनंत और राधिका के लिए प्रार्थना करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर भी गई थी। ऐसे में उनके बेटे की शादी में काशी की पवित्र नगरी की झलक देखने को मिली। अनंत अंबानी और राधिका की शादी को देखकर ऐसा लगा जैसे मुंबई में ही बनारस उतर आया। पूरे के पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस की तर्ज पर सजाया गया, फिर चाहे वो वाराणसी के घाट हों या काशी विश्वनाथ मंदिर। अनंत और राधिका की शादी के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस भव्य शादी के लिए सारी तैयारियां भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए की गई। बताया गया कि यह सब इसलिए किया गया ताकि शादी समारोह में आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति और खास तौर पर काशी के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इस शादी समारोह की थीम का पूरा ताना बाना भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द बुना गया ताकि विदेशों से आए मेहमानों को एक अलग और भव्य एहसास दिलाया जा सके। इसके लिए चाहे फूलों की सजावट हो या फिर मंडप की बनावट, सब कुछ काशी से मिलता जुलता नजर आया। कोशिश की गई कि मुंबई में हो रहे शादी समारोह में आए मेहमानों को ऐसा लगे जैसे वो काशी में बैठे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद के साथ शादी की शुभकामनाएं भी दी।
नवविवाहित जोड़े ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया और वे दोनों प्रधानमंत्री को समारोह स्थल तक ले गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहीं पास में बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर पहनाया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक तरफ अनंत राधिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद दे रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद देते हुए अनंत और राधिका दोनों देखे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद दे रहे हैं और शंकराचार्य को के पैर छूकर उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद शंकराचार्य अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाते हैं और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हो। भारतीय पोशाक में सज धज कर अनंत और राधिका की शादी समारोह में पहुंचे तमाम मेहमानों का स्वागत कानों में मिश्री घोलने वाले भारतीय संगीत से हुआ। सितार और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के माहौल में चार चांद लगा दिए। मुख्य दरवाजे पर बजते सितार और शहनाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने भी वहां अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान अनंत और राधिका के शादी समारोह में आए मेहमानों को कविता सेठ ने अपने सूफी संगीत से मंत्र मुक्त कर दिया। उनके साथ ही मशहूर गायक अमित त्रिवेदी ने भी अपने अंदाज में अनंत और राधिका के इस भव्य शादी समारोह में चार चांद लगा दिए। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए इस भव्य आयोजन में कई विदेशी गायकों ने भी प्रस्तुतियां दी। साथ ही हार्डी संधु और हनी सिंह जैसे पंजाबी गायकों ने भी अपना जलवा बिखेरा। राधिका को बधाई देने दुनिया भर के मेहमान जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। इस भव्य शादी समारोह के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि वहां पहुंचने वाले मेहमानों के कपड़े भी भारतीय संस्कृति से मेल खाएं। जैसे ही अनंत अंबानी की बारात उनके घर इंटेलिया से निकलकर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची, सबकी नजरें बारातियों पर टिक गईं, क्योंकि इस बारात में रेसलर जॉन सिन्हा के साथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे रणवीर सिंह और संजय दत्त दूल्हे अनंत अंबानी के साथ झूमकर नाचते दिखाई दिए। बारात पहुंचने के साथ ही मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक्ट्रेस दिशा पाटनी, शाहरुख खान के बेटे आर्यन और बेटी सुहाना और कृति सरन अनंत की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आई। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ पहुंचे तो माधुरी दीक्षित भी अपने पति और बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंची। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में दिखाई दी। फिल्म इंडस्ट्री के